आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 3 जर्मन होम्योपैथिक सोप्स यानी कि साबुन, जिन्हें मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, पेशेंट्स को देने के लिए प्रिस्क्राइब करती हूँ और जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तीनों ही साबुन बहुत ही कॉमन कंसर्न्स के लिए हैं, लाइक एक्ने एंड पिम्पल्स, ग्लो एंड फेयरनेस एंड थर्ड वन इज़ रेगुलर एंटीसेप्टिक बाथिंग बार, जो आपकी जनरल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। Hello everyone, this is Doctor Arva Bohra welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 3 जर्मन होम्योपैथिक सोप जो मैं यूज़ करती हूँ अपने क्लिनिक पर और अपनी प्रैक्टिस में फॉर माय पेशेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट स्किन कंडीशंस लाइक एक्ने, पिम्पल्स हैं, उनके स्कार्स हैं, या फिर अगर आपका स्किन टोन जो है वो अनइवन हो गया है या सन टैनिंग की वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल हो गया है। इन सारे कंसर्न्स के लिए मैं 3 सोप आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर चैनल ज़रूर विजिट करें। नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दें और साथ में घंटी के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए हर बार। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 3 सोप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो मैं मेरी क्लिनिक में यूज़ करती हूँ। तो तीनों ही जर्मन सोप्स के बारे में हम बात करेंगे, विल्मर श्वाबे इंडिया। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये पेड प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को या अपनी ब्रांड को। ये जो मैं प्रोडक्ट्स बताती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, वो भी कुछ टाइम के बाद जब मेरे पेशेंट्स या फिर मैं खुद उसे यूज़ कर चुके होते हैं फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स और उससे कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं मुझे, उसके बेसिस पे ही मैं यहाँ पे रिव्यू वीडियो बनाती हूँ। तो अब बात करते हैं हम 3 सोप्स के बारे में। तो सबसे पहले सोप के बारे में हम बात करते हैं जो है बहुत कॉमन कंसर्न के लिए, वो है एक्ने एंड पिम्पल्स के लिए। तो एक्ने एंड पिम्पल्स के लिए जो सोप मैं यूज़ करती हूँ अपने क्लिनिक में वो है ये BNT का एक्ने सोर्स सोप। दिस सोप इज़ स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर एक्ने, पिम्पल्स एंड पस्चुलर इरप्शंस। तो एक्ने पिम्पल्स की जो कंडीशन होती है या फिर कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, आपको कहीं भी एक्ने हैं, फेस पे या फिर ऑल ओवर फेस हैं, फॉरहेड पर हैं, चीक पर हैं, चिन एरिया पे हैं, शोल्डर पे हैं, चेस्ट में हैं या फिर बैक में हैं, ये यूजुअली मोस्ट कॉमन साइट्स ऑफ एक्ने होती हैं। तो इन सारी जगहों पे अगर आपको एक्ने हैं तो आप इस सोप को यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट इससे मिलते हैं। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में हम फटाफट जान लेते हैं। इसके अंदर है द पावर ऑफ बर्बेरिस, कार्डियोस्पर्मम, एचिनेशिया एंड एलोवेरा। सो बर्बेरिस इसके अंदर जो स्किन कंसर्न्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्किन कंसर्न लाइक एक्ने, पिम्पल्स, देन पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, एक्ने पिम्पल्स के स्कार और मार्क्स, या फिर आपकी स्किन डल है और उसमें ग्लो नहीं है, तो इन सारी प्रॉब्लम के लिए बर्बेरिस बहुत ही इफेक्टिव है। देन इसके अंदर एलोवेरा है, जो एलोवेरा होता है उसकी बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक्ने को क्लियर आउट करने में और उनके स्कार्स को लाइटन करने में हेल्प करती है। एलोवेरा की एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे स्किन के सेल्स में मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करती है। एंड इट हैज़ एचिनेशिया। एचिनेशिया एक्ने के रिकरेंस को रोकती है, मतलब अगर आपको एक्ने पिम्पल्स हैं और वो बार बार होते हैं, ठीक हो जाते हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं होम्योपैथिक या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तब तक वो ठीक रहते हैं, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। सो एचिनेशिया हेल्प्स टू स्टॉप द रिकरेंस ऑफ एक्ने एंड पिम्पल्स। सोप मैं आपको अंदर से खोलकर भी दिखा देती हूँ। इट हैज़ सूदिंग फ्रेग्रेंस। ये है सोप, इस तरीके से ऑरेंज कलर का सोप बार आता है ये। जिसे आप जहाँ भी एक्ने पिंपल्स हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप इसे नहाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ फेस पे पिंपल्स हैं और कहीं भी नहीं है तो आप सिर्फ इसे चेहरे को धोने के लिए यूज़ करें। दिन में 2 बार आपने इसे यूज़ करना है। यूज़ करना बहुत सिंपल है। जनरली हम जैसे दूसरे साबुन यूज़ करते हैं वैसे ही इस साबुन को भी यूज़ करना है। चेहरे को गीला करना है, हाथों को गीला करना है, साबुन को थोड़ा सा रब करना है पाम्स के बीच में झाग होने तक। झाग होने के बाद सर्कुलर मोशन में अपने पूरे फेस में लगाना है और उसके बाद चेहरे को धो लेना है। साबुन से चेहरा धोने के बाद साबुन, इनफैक्ट अगर आप फेस वॉश भी यूज़ करते हैं, मेरे रिकमेंडेशन पे हैबडेको एक्विप्लस फेस वॉश या नीम फेस वॉश या कोई भी यूज़ करते हैं, और या फिर अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्ने सोर सोप ट्राई करने वाले हैं या यूज़ करेंगे तो ध्यान रहे कि एक अच्छा सा स्किन टोनर अगर आप पर्टिकुलर कोई नहीं यूज़ करते हैं तो सिंपल रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ करें और उसके बाद एक अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये था हमारा फर्स्ट सोप और इसकी जो MRP बताना मैं आपको भूल गई हूँ। ये 75 ग्राम है एक सोप बार और इसकी जो प्राइस है वो 45 रुपीज़ है, विच आई थिंक इट्स सुपर अफोर्डेबल फॉर सिंगल पर्सन। ये 1 से 1.5 महीना आराम से चलता है अगर आप इसे चेहरा धोने के लिए यूज़ करते हैं। तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड सोप जो अगेन BNT का है। जैसे मैंने बताया तीनों इसी रेंज के सोप हैं और मैं इन्हें यूज़ करती हूँ अपनी क्लिनिक में। तो सेकेंड वन इज़ ग्लो एंड फेयरनेस सोप। कौन कौन सी कंडीशन में आप इस ग्लो एंड फेयरनेस सोप को यूज़ कर सकते हैं या मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट को। सो फर्स्ट वन इज़ पिगमेंटेशन। जितने भी पिगमेंटेशन या झाइयाँ वाले जो पेशेंट आते हैं उनको मैं ज़रूर ये सोप रिकमेंड करती हूँ और देती हूँ अपने पास से। द सेकेंड वन इज़ कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है जो पहले अच्छा था, फेयर ग्लो एंड फेयरनेस सोप है तो फेयरनेस का मीनिंग है कि अगर आपका स्किन टोन पहले फेयर था और अब किसी कारण से वो डल हो गया है, डार्क हो गया है, लाइक सन टैन, डर्ट एंड पोल्यूशन, तो उसको वापस गेन करने के लिए, उसको वापस फेयर करने के लिए ये जो सोप है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको पास्ट में एक्ने पिंपल्स हुए हैं जो ठीक हो चुके हैं बट उनके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो नहीं जा रहे हैं तो आप इस सोप को यूज़ करें। ये आपके कॉम्प्लेक्शन को बेटर करेगा, ठीक करने में हेल्प करेगा। सारे जो अनइवन स्किन टेक्सचर और अनइवन स्किन टोन का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा और आपको एक स्मूथ एंड क्लियर स्किन इससे मिलेगी। रिज़ल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेगा, कम से कम आपको इसे 1 से 1.5 महीना 2 महीना कंटिन्यू यूज़ करना है। उसके बाद आप इसका इफेक्ट अपने फेस पर देखेंगे और रिजल्ट मिलते हैं। इससे मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें सो फर्स्ट वन इज़ एलोवेरा। जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई एलोवेरा की, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़। देन सेकेंड वन इज़ कैलेंडुला, बहुत ही अच्छा हीलिंग एजेंट है, बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, एक बेस्ट हीलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। देन थर्ड इज़ पल्सटिला। फोर्थ इज़ बर्बेरिस, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई वही। हल्दी एंड चंदन है इसके अंदर जो नेचुरली आपकी स्किन को ग्लोइंग और रेडिएंट बनाने में मदद करती है। हल्दी और चंदन का लेप हम सदियों से यूज़ कर रहे हैं अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए और उसमें ग्लो को ऐड करने के लिए या फिर अपनी स्किन को फेयर करने के लिए, उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए। सो इसके अंदर वो हल्दी और चंदन भी है। मैं आपको सोप बार खोल कर भी दिखा देती हूँ। इट स्मेल्स सो नाइस, चंदन की खुशबू इसमें से बहुत अच्छी आ रही है। ये है सोप बार और 75 ग्राम पैकेजिंग है ये। इसका भी MRP 45 रुपीज़ है। ये मेरे पास सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाला सोप है मेरी क्लिनिक में। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करती हूँ और पेशेंट ऐसे भी मेरे पास से बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं ये ग्लो एंड फेयरनेस सोप। नाउ मूविंग टूवर्ड दी थर्ड सोप। ये भी जर्मन BNT कंपनी का सोप है और ये जो है ये जनरल स्किन केयर बैदिंग बार है, मतलब सिंपल नहाने का साबुन विथ ऑल दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैलेंडुला एंड इट। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कैलेंडुला है। कैलेंडुला बहुत ही अच्छा हीलिंग एजेंट है, एंटीसेप्टिक है। जनरली आप इसे रूटीन में यूज़ करेंगे तो आपके स्किन को ये हेल्दी बनाएगा, किसी भी इन्फेक्शन को होने से रोकेगा। इसका इंडिकेशन पूछेंगे अगर आप मुझसे तो जनरली बैदिंग के लिए ये बेस्ट सोप है बिकॉज ऑफ कैलेंडुला इन इट। ये हमारी बॉडी के रेगुलर हाइजीन को मेंटेन करेगा बिकॉज इट हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उसको किल करने में ये मदद करता है और हमारी बॉडी के जनरल हाइजीन को मेंटेन करता है। स्पेशली मैं जिन लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा होती है या हाइपर हाइड्रोसिस के पेशेंट हैं जो कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है, नहा के निकलते हैं वापस पसीना हो जाता है, चिप चिप पसीना होता है या किसी किस्म के फंगल इन्फेक्शन से वो सफ़र कर रहे होते हैं या कोई भी इन्फेक्शन है, तो उनको मैं सारे बैदिंग बार बंद करवा के नहाने का साबुन या जेल जो भी बंद करके ये BNT का स्किन केयर बैदिंग बार प्रिस्क्राइब करती हूँ और पेशेंट को यूज़ करने के लिए कहती हूँ और उससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कैलेंडुला है जैसे मैंने बताया। सोप मैं आपको यहाँ पर खोल कर भी दिखा देती हूँ। सो ये है सोप, बहुत अच्छी इसकी भी खुशबू है और बहुत ज़्यादा माइल्ड है, आपको हेडेक नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। इट लेदर वेरी नाइसली। ये भी 75 ग्राम पैकेजिंग में ही है और इसका जो प्राइस है वो 55 रुपीज़ है। जो पहले दो साबुन बताए वो 45 रुपीज़ के होते हैं ईच और ये 55 रुपीज़ का है। सो ये हैं तीन साबुन, तीनों ही सोप्स जो हैं वो BNT, बोरिक एंड टैफिल के हैं और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं तीनों में यहाँ पर मैंशनड है नीचे। आई होप यू कैन सी दिस। इससे आपको किसी भी किस्म की कोई एलर्जी रैशेज नहीं होगी। फिर भी आपको एक पैच टेस्ट या एक सेंसिटिविटी टेस्ट थोड़ी आपके आम में लगा कर देख लेना है साबुन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, stay healthy, stay happy, stay safe, take care of yourself and your families. Love you all.